एक भी नबी की नबूवत का इनकार करेंगे तो जाहिर है कि इस्लाम के दायरे से निकल जाएगा, काफिर हो जाएगा। तो कोई मुसलमान इनकार करता भी नहीं है ना, जो इनकार करे वो मुसलमान रहता नहीं, लेकिन नबी वो जिसको अल्लाह ने नबूवत दी। कादियानियों का नबी नहीं है, कादियानियों के नबी पर ईमान लाना गुलाम अहमद कादियानी जिसका नाम था, उसको कोई अगर नबी मानता तो काफिर हो जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये आखिरी नबी है। इन्होंने खुद फरमा दिया ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो अब यह कि कोई नबी इनके बाद नहीं है, तो इसलिए अब किसी और को नबी के बाद इसको नबूवत मिली या उसको नबूवत मिली या नबूवत किसी को भी मिल सकती है ये भी अकीदा रखेगा तो इस्लाम से निकल जाएगा, काफिर हो जाएगा। हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब आएंगे तो ये नए नबी नहीं हैं, ये तो पहले से ही नबी हैं। अभी ज़ाहरी तौर पर इनको वफात पेश नहीं आई, तो ये क़यामत के करीब आएंगे, लेकिन ये इंजील मुक़द्दस की तालीमात आम नहीं करेंगे, ये कुरान करीम की तालीमात आम करेंगे। और बतौर उम्मती सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो इस्लाम लाए, जो पैगामात लाए, उनकी तबलीग करेंगे। इसलिए ये नए नबी नहीं है।